गाइस एक और नए वीडियो के साथ अब मैं यहाँ पे आपको रशोम दिखाऊंगा। ये यहाँ पे ये एशियन साउथ एशियन और मिडिल ईस्ट की मार्केट है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पूरी की पूरी शॉप है, वही बांग्लादेश पाकिस्तान मिडिल ईस्ट और कुछ कुछ इंडियंस लोगों की है। तो यहाँ पे आके आपको फील ही नहीं होगा कि ये यूके है, कुछ साउथ एशिया जैसा लगेगा, लेकिन स्टिल इट इज़ बेटर देन आवर प्लेस बिकॉज यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई है और थोड़ा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से फिर इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन जो शॉप्स वगैरह होती हैं सारी एक जगह पे, कहीं पे मोबाइल की शॉप्स, कहीं पे बारबर की शॉप बगल पे, फिर रेस्टोरेंट वगैरह जैसे अपने इंडिया में होता ही है वैसे ही है। तो ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से मैं आ रहा हूँ और मैं आपको पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा पूरे लास्ट तक। तो तब तक मेरे साथ देखते रहिए यहाँ के नज़ारे। यहाँ पे कार की सर्विस है, कार की सेल्स एंड सर्विस सेंटर है। और ये यहाँ पे शॉप्स स्टार्ट हो गए हैं। एक फार्मेसी है, फार्मेसी के बगल पे ट्रैवल की एजेंसी है कोई, फिर लाइब्रेरी है एक, फिर एक वॉलनट बेकरी के नाम से एक बेकरी शॉप है। और इसके बाद यहाँ पे एक सीरियन पेस्ट्री एंड सीरियन फूड अलक्वायरा, और ये देखो अपना अंबाला, अंबाला नाम से एक रेस्टोरेंट है। मोस्ट प्रोबेबली शायद मुझे लगता है इंडियन होगा, और ये पंजाब कलेक्शन यहाँ पे पंजाबी कलेक्शन है। और ये आनंद तो 100% ये इंडियन है, क्योंकि एक दिन मैं वहाँ पे विज़िट किया था मैंने, तो वहाँ पे कोई लेडीज़ थी तो उनके पता चल जाता है क्योंकि उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो किया था, तो इसलिए पता चल गया। और ये एक सुपरमार्केट है, मैनचेस्टर सुपरमार्केट, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, फल सब्जी से लेके सब कुछ, बट रेट इनके इंडियंस वाले नहीं हैं, यहाँ का रेट अलग है, बहुत महंगे हैं यहाँ पे। और ये चिट एंड चाट इंडियन स्ट्रीट फूड, और ये इंडियन पाकिस्तानी कपड़ों की शॉप्स। और यहाँ पे शवरमा, यहाँ का शवरमा मैंने खाया लेकिन मुझे यहाँ का शवरमा इतना पसंद नहीं आया जितना इंडिया का इतना मस्त शवरमा होता है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, शवरमा को नान की रोटी के साथ रोल करके देते हैं, उसमें चिकन्स वगैरह की भी वो कर देंगे जैसे होता ही है शवरमा, और उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल देंगे। तो मुझे तो इतना कुछ खास पसंद नहीं आया जैसा टेस्ट इंडिया के उसमें है। और यहाँ पे एक जैफा नाम से रेस्टोरेंट है, और ये देखो शवरमा नान के साथ लाइव दिखा दिया आपको जस्ट। और यहाँ पे कुछ मलेशियन रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पे। एक सनम जलेबी के नाम से स्वीट शॉप है। और यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि अभी कार वेट कर रही है, रुकी हुई है। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ मैनचेस्टर, जहाँ एशियंस लोग रहेंगे वहाँ ट्रैफिक तो रहेगा ही रहेगा, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। और ये सनम रेस्टोरेंट कबाब हाउस है, और उसके बगल पे चांदनी ज्वेलर्स, और ये देखो दिल्ली का स्वीट सेंटर।
ये शॉप बंद हो गई है, बैरिकेड लगे हुए हैं। और ये अपने पाकिस्तान की शॉप, और उसके बगल में ये अफगान क्यूज़ीन की शॉप है, और ये लाहौरी आइस बार, और ये अंतालिया कैफ़े, टर्किश कैफ़े। ये कोबेडा अरेबिक लग रहा है, अरेबिक रेस्टोरेंट। और यहाँ पे कार वगैरह सब एक लाइन पे हैं, पार्क हो रखी हैं। ये सारे रेस्टोरेंट वाले होंगे। और ये ग्रीन जो ये है, ये साइकिल का ट्रैक है, साइकिलिंग ट्रैक। यहाँ से सारे साइकिलिंग जाते हैं, साइकिल वाले। और ये फार्मेसी, और ये हुक्का बार टाइप का कुछ लग रहा है मुझे। और ये शेर खान, देखो, हलाल इंडियन रेस्टोरेंट। ज्वेलर्स की शॉप है। ये देखो यहाँ पे कार कितने नॉइजी, इतने ज़ोर ज़ोर से चलाते हैं। कोई कोई तो बाइक भी चलाते हैं, उसकी साउंड इतनी तेज़ होती है कि आवाज़ निकाल निकाल के चलते हैं। कोई कोई लोग साउंड पॉल्यूशन करते हैं, लेकिन वो कम ही है ऐसा, हमारे यहाँ तो ये कॉमन है। और ये जाफा, ये फलस्तीनियन रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे कहीं मुझे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये साइकिल वाला हॉर्न बजा रहा है, जबकि यहाँ पे हॉर्न बजाते नहीं हैं लोग, बिल्कुल भी नहीं सुना मैंने तो। आज ही अभी से वो भी सुना, वो भी साइकिल वाला बजा रहा है। और एक ये माय लाहौर ब्रिटिश एशियन किचन, यहाँ पे मैंने एक बार खाया था बटर चिकन, लगभग बटर चिकन और नान, तो 13 pounds के आसपास आया, लेकिन मुझे कोई मज़ा नहीं आया जो मेरे को इंडिया में लगता है खाने में। इट इज़ अबाउट लाइक 1300-1400 के आसपास, अगर 13 pounds को कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में तो। ये यहाँ पे काफ़ी महंगा लगता है हमें। और ये शेल का पेट्रोल पंप है, आप लोगों ने शेल का पेट्रोल, वो इंजन ऑयल कभी डलवाया होगा अपने व्हीकल में, एक्टिवा वगैरह में। मैंने तो बहुत डलवाया है, और मुझे ये पता भी नहीं था कि ब्रिटिश कंपनी है। तो मैंने जब यहाँ पे देखा इसका मैंने ट्रेडमार्क देखा, तब फिर मैंने कहा ये तो शेल वही वाला है, तो फिर मुझे पता चला अच्छा ये ब्रिटिश कंपनी है। तो ये मतलब शेल अच्छी कंपनी है यहाँ पे पेट्रोल पंप की। और ये देखो लॉन्डीज का नाम है, सुपर स्टोर का नाम ही लॉन्डीज है। और ये लॉन्ड्री क्लीनिंग है, यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह धुलवा सकते हो। रेट तो काफ़ी ज़्यादा ही है, 7-8-9 pounds के आसपास, लेकिन एक टाइम पे आप सारे कपड़े धुलवा सकते हैं। हमारे एकोमोडेशन में ये 5 pounds में हो जाता है, ड्राई के अलग और वॉश के अलग है, तो 5 pounds में पूरा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये मेल बॉक्स हमसे कुछ है, फेडएक्स वगैरह की सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज। और ये बार्बर शॉप है, और ये सामने पे चिकन वगैरह की टेक अवे है, डिक्सी वगैरह।
और ये वर्ल्ड वाइड है, ये सबसे बड़ा मतलब यहाँ पे ये पाकिस्तानी सुपर मार्केट है। यहाँ पे पूरा आपको इंडिया के सामान, मैगी वैगी से लेके लेज़ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, और पाकिस्तान के और बांग्लादेश इन तीनों जगह के सारे सामान मिल जाएंगे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे इस सब गोल लिया था, मेरे को मिल गया था यहाँ पे, और मैगी भी ली थी तो ऑफ़र चल रहा था यहाँ पे मैगी का, एक पाउंड में 10 मैगी, क्योंकि शायद वो एक्सपायरी क्लोज थी उसकी, तो इसलिए उन्होंने ऑफ़र चलाया ईद के टाइम पे, रमज़ान ऑफ़र। तो मैंने लिया, एक पाउंड में मेरे को 10 मिला, मतलब वही इंडियन वाला रेट पड़ गया, एक 10 ईच के आसपास, अगर 100 रुपये मान के चलते हैं। वैसे तो ये फ्लक्चुएट होता रहता, कभी 103, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब मैं यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, क्योंकि ये कारें रुक गई हैं, रेड लाइट आ गया है, और ये डिक्सी है, और ये वर्ल्ड वाइड दूर से, इसका जो एंट्री गेट है वो इसके पीछे से है। और मैं यहाँ से अपने अकोमोडेशन की तरफ वापस जाता हुआ, ये ऊबर की कैब, ये टैक्सी। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, आपको मैं जल्दी मिलूँगा अपने वीडियो, अगले वीडियो के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सब कुछ, सब लोग, बाय।